हेलो दोस्तों, नमस्कार। बिंदु ब्लेड ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज दोस्तों गर्मी के मौसम में गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी से राहत दिलाने वाली रेसिपी आज हम बनाने चल रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले ले लेते हैं ताज़ा ताज़ा पुदीना का पत्ता। तो हम आ गए दोस्तों अपने किचन गार्डन में। ये हमारे किचन गार्डन का पुदीना है, तो हम पुदीना पत्ता ले लेते हैं। देखो तो इतना सारा दोस्तों हमने पुदीना का पत्ता तोड़ लिया है। तो दोस्तों हमने ले लिया पका पका बेल। तो आज दोस्तों हम बेल का शरबत बनाने चल रहे हैं। तो बेल को हम तोड़ते हैं। इस तरह हम बेल का छिलका निकालते हैं और चम्मच से बाउल में हम बेल का गूदा निकाल लेते हैं। जो दूसरा वाला छिलका है दोस्तों उससे भी हम गूदा निकाल लेते हैं इस तरह। तो बेल का गूदा दोस्तों बहुत आसानी से चम्मच से निकल जाता है। और अब डालते हैं इसमें दोस्तों हम पानी। तो बेल को दोस्तों हम मैश कर लेते हैं इस तरह। तो बेल को दोस्तों हम छान लेते हैं। तो इस तरह हम चम्मच से दोस्तों चलाते हुए बेल छान लेते हैं। तो दोबारा से दोस्तों हम उसी बाउल में रखते हैं और दोबारा से हम मैश कर लेते हैं और पानी डालते हैं। तो दोबारा से हम छान लेते हैं। तो बेल का जूस हमने छान लिया दोस्तों। जो बेल का रेशा था देखिए बाहर हो गया। अब इसको हम हटा देते हैं। तो जूस हमारा दोस्तों छन गया। अब हम जूस में डाल देते हैं बर्फ। तो हमारे पास फ्रिज नहीं है दोस्तों, हम किसी और के यहाँ से बर्फ लेकर आ रहे हैं। अब हम डालते हैं इसमें दोस्तों भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, काला नमक, सफ़ेद नमक और थोड़ा सा दोस्तों हम डाल देते हैं पिसा हुआ पुदीना। अब इसी में दोस्तों डाल देते हैं हम स्वाद के अनुसार चीनी और सारा हम मिला लेते हैं। तो दोस्तों अब हम शरबत को सर्व करते हैं। गार्निश कर देते हैं पुदीना का पत्ता। तो दोस्तों आज हमारा बेल का जूस आपको कैसे लग रहा है कमेंट बॉक्स में लिखना। अब हम दोस्तों अपने मम्मी जी को पिलाते हैं शरबत। अम्मा आपको गर्मी बहुत लग रही थी ना आज? हाँ, गर्मी। आपके लिए हमने बनाया ठंडा ठंडा बेल का शरबत। चलिए शरबत पीजिए, बताइए आपको कैसे लग रहा है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है। चलो दोस्तों हमारी मम्मी जी कह रही बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों से क्या कहेंगी, दोस्तों को कुछ कह दो। लोग सपोर्ट करो। तो दोस्तों देखिए हमारी मम्मी जी भी कह रही हैं आप लोग हमारा सपोर्ट करें। तो आज का शरबत हमारा कैसे लग रहा है? अगर हमारा शरबत आपको अच्छा लग रहा होगा दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और आप लोग भी अपने घर पर बेल का ठंडा ठंडा जूस पीजिए और बच्चों को पिलाइए। आज का सफर यहीं तक, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों हमारी तरफ से आप लोगों को नमस्कार और दोस्तों लाइक करना मत भूलना, मुझे दिखाइए इसको दबाना मत भूलना।